राहुल गांधी की समस्या यही है कि उनको वोट नहीं मिलता। तो संजय बाबू, उनको वोट नहीं मिलता तो हम लोग क्या करें? अब आप ही बता दीजिए, क्या हम लोग जनता से उनके लिए वोट मांगे? बार बार जाते हैं, हार जाते हैं, मुश्किल से हिमाचल में निकल पाए, 14 हारे, 19 हारे, अभी मेघालय हारे, त्रिपुरा हारे, नागालैंड हारे, कर्नाटक भी हारेंगे और 24 में देश भी हारेंगे। राहुल गांधी ये नहीं समझते कि देश आज कांग्रेस पार्टी की नीति से उब चुका है। तो क्या बोलते हैं, मेरे अगले भाषण से मोदी जी डर जाएंगे। संजय बाबू पहले अपनी आंख से डराते थे ना कि हमसे आंख नहीं मिलाएंगे मोदी जी, याद है ना? तो हमने कहा हमारे नेता मोदी जी को छोड़ दीजिए, राहुल गांधी जी संसद में हम लोग भी बैठते हैं, हमें लोग से आंख मिला लीजिए, जरा हम ही आपका जवाब दे दें। तो आंख तो मिलती नहीं। अब मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी मेरे अगले भाषण से डर जाएंगे। क्या क्या बातें! आज फिर उन्होंने श्रीलंका की बात कही है। श्रीलंका ने पूरे अडानी प्रकरण पर जवाब दे दिया, मेरे पास सारे उनके ट्वीट हैं राष्ट्रपति के सबके, ये बिल्कुल गलत बात है। तो झूठ बोलना, बेबुनियाद आरोप लगाना, बस एक ही है कि हमारे पिताजी प्रधानमंत्री, हमारी दादी जी प्रधानमंत्री, हमारे परदादा जी प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री का एकमात्र पट्टा तो भगवान ने मेरे लिए दिया है, जनता में वोट क्यों नहीं देती? समस्या यही है। तो राहुल गांधी जी, आपको वोट और नहीं मिलेगा, इस तरह की बेबुनियाद बात करना बंद करिए। अंत में यही कहूंगा, राहुल गांधी ने देश के पिछड़ों का अपमान किया है और आज फिर का जानबूझकर वो बोलते हैं, सोच समझकर बोलते हैं। तो मतलब सोच समझकर देश के पिछड़ों का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी इसको बहुत ही गंभीर विषय बनाएगी और देश में इसका विरोध करेगी। धन्यवाद। आई एम ओपन टू क्वेश्चंस नाउ। मेरे पास पूरी टिप्पणी है कि मौत का सौदागर किसने किसने क्या क्या कहा मोदी जी को, तो आप केस करिए ना, किसने मना किया आप? देखिए मैं फिर कहूंगा, राजनीतिक रोज तो मोदी जी को हिटलर कहते हैं, तानाशाह कहते हैं, कहते कि नहीं कहते, रोज बोलते हैं। हमारा कहना यह है कि आलोचना का मतलब गाली देना नहीं, आलोचना का मतलब एब्यूज करना नहीं होता है। और आप एक पूरी पिछड़ी जाति को उसके सरनेम से इस तरह से आप गाली देंगे, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा है, ये बहस ना हमको उनसे करनी है ना मुझे आपसे करनी है, ये उनको कोर्ट में बोलना था। ये मामला कोर्ट में है ना, कोर्ट ने उनसे पूछा आप माफी मांगेंगे? मैं प्रसाद हूं ना, ये संजय मयूक है। अगर कोई कहे कि सारे मयूक चोर होते हैं तो इनको दुख लगेगा कि नहीं लगेगा, या सारे प्रसाद घटिया होते हैं? सरनेम आपके व्यक्तित्व का एक अंग होता है, यही तो हम कह रहे हैं। ये वो एक्सप्लेन कर देते कि हमने सारे मोदियों को चोर नहीं कहा। तो राहुल गांधी में समस्या दूसरी है, मैं तो गलती कर नहीं सकता, मैं तो कुछ गलत बोल नहीं सकता। आज भी उनके तो आप देख ही रहे थे, जैसा उन्होंने आज पत्रकारों को पटका है और गाली दी है, वैसा अगर हम लोग करें तो आप हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉयकॉट कर जाए। क्या कहा उन्होंने, खंबा लगा के आओ कमल छाप का, ये कोई शब्द है बोलने के? यही तो है कि न सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे, न न्यायालय का सम्मान करेंगे, न जनमत का करेंगे, न मीडिया का करेंगे। आज देखिए अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजय, उन्होंने देश के मीडिया का क्या सम्मान किया। और याद करिए राज्यसभा में इन्होंने मोदी जी को जवाब नहीं देने दिया था 2 घंटा, याद है ना, चिल्लाते रहे। शंकर जी एक सवाल है कि आज आपके ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू राहुल गांधी का जो है लालू यादव का श्राप लगा है, जिस तरीके से उन्होंने अध्यादेश पारा और सब कुछ किया उस वक्त। अब हमारे में तो गिरिराज जी कई बार अच्छा व्यंग करते हैं, व्यंग को व्यंग ही रहने दीजिए। तो तपस्या कर रहे हैं, आपने ऑलरेडी बोल दिया। यस, और कोई सवाल? There's a question. The opposition keeps on targeting the BJP for misuse of central agencies, be it the question of Rahul Gandhi or Tejasvi Yadav and all. So how do you see the entire episode given the fact that the JDU was not initially backing the protest being held the last day? ये कोई नई बात तो नहीं है ना? रविशंकर का एक और परिचय है ना, चारा घोटाले में लालू के खिलाफ सीबीआई के वकील हम ही थे ना, सुशील मोदी पिटिशनर थे।
उस समय लालू प्रसाद ये कहते थे कि दुरुपयोग हो रहा है, लालू प्रसाद को चार केस में सजा मिली कि नहीं मिली, अलकतरा घोटाले में मिली कि नहीं मिली। आप मुझे बताइए कि जितने महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के नेता जेल में साल भर रहे कि नहीं रहे, एक वो क्या नाम है संजय बाबू, नवाब मलिक, नवाब मलिक साल भर तक जेल में बंद है कि नहीं, संजय राउत जेल में गए कि नहीं गए, शिशुदा साहब जेल में है कि नहीं। तो आप चोरी करेंगे, आप लूटेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, आपको कोर्ट रिलीफ नहीं करेगा, तो आप चिल्लाएंगे, यही जवाब है इसका। हाँ, बाय द वे एक ममता जी के पार्टी के एक वरिष्ठ नेता थे, कितना पैसा मिला था, 60 करोड़ ना, याद है ना आपको, कलकत्ता में एक फ्लैट में। चलिए काफी है। हाँ, ऐसा है, राहुल गांधी बेबुनियाद जवाब लगाएंगे तो अडानी ग्रुप जवाब देगा। आई एम नॉट सिटिंग हियर टू डिफेंड अडानी और एनीवन, लेकिन अडानी ग्रुप के बारे में उनका क्या कहना, मैंने आपको बता दिया उनकी सरकार में क्या क्या हुआ। और वैसे भी बेबुनियाद आरोप लगाना तो राहुल गांधी की फितरत है, जो देश में सेना से उनके शहादत का प्रमाण मांगे उससे और क्या कहना, देश के लिए जीते तो हम सभी हैं, देश के लिए मरता कौन है। अब चलिए उस पर बहुत कुछ चर्चा चर्चा हो चुकी है, और कुछ यही तो समस्या है मेरे दोस्त, कि मैं हूं गांधी, मेरे पिताजी राजीव गांधी, मेरी दादी जी इंदिरा गांधी, मेरे पर नाना जी जवाहरलाल नेहरू, मेरे पर नाना मोतीलाल नेहरू, हमने 55 साल राज किया है, प्रधानमंत्री बनना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम गलती नहीं कर सकते, लेकिन ये 2023 का भारत बदल गया है, और इस भारत ने दिखाया है कि एक चाय बेचने वाले गरीब परिवार के पिछड़े परिवार में बेटा पैदा हुआ बेटा देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और दुनिया का लोकप्रिय नेता बन सकता है, तो ये भी एक सच्चाई है, इसको स्वीकार नहीं करते। That's all. कौन अब चलिए उस सब बातें हैदराबाद से जवाब दिया क्या। अब राहुल गांधी तपस्या करें, साधना करें, जो करना हो करें, कभी दाढ़ी बढ़ाते हैं, कभी दाढ़ी कटती है, ये उनकी समस्या है, लेकिन उनको देश की जनता अगर वोट नहीं देती तो हम क्या करें। बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।